प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन 15 अगस्त से स्कूल्स खोलने का ऐलान कर चुकी है, जबकि डायरेक्टर जनरल प्राइवेट स्कूल्स मंसूब सिद्दीकी साहब का कहना है कि 15 अगस्त से निजी तालीमी इदारे नहीं खोलने देंगे। अच्छा, वक्त से पहले खुलने वाले स्कूल्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये भी उन्होंने कहा। अगर 15 अगस्त से प्राइवेट स्कूल्स खोले जाते हैं तो हुकूमत क्या कार्रवाई करेगी, सवाल दरअसल ये है जो आज हम वजीर से पूछेंगे। तालीमी इदारों से मुतल्लक पाकिस्तान पंजाब हुकूमत जो है उन्होंने क्या SOPs बनाए हैं जिन पर वो अब सीरियसली अमल दरामद कराएंगे वंस द स्कूल्स आर ओपन। जितने महीने स्कूल्स बंद रहे हैं, एक और सवाल ये है कि उन महीनों की फीस का क्या मामला होगा, क्योंकि वहां पर भी कोई बहुत ज्यादा पेशरफ्त हमें नजर नहीं आई। और क्या 15 अगस्त से रिमोट लर्निंग का भी आगाज हो जाएगा, इजाजत दे दी जाएगी, बात करेंगे वजीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब ये बताएं कि प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन तो भाई बजेद है कि 15 अगस्त से हम तो स्कूल्स खोल देंगे, अब आप लोग क्या करेंगे? जो स्कूल शिफा खोलेगा उसको सील कर दिया जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, ये भी बाकी इनकी मर्जी है, जो इन्होंने करना है कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट नथिंग इज गोइंग टू बी ओपन। 15 सितंबर तक स्कूल नहीं खुलेंगे, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है और इस पे ही सबको रहना पड़ेगा, व्हाट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड। और उससे पहले जो भी वो उसकी खिलाफ वर्जी करेगा एक्शन विल बी टेकन। बिल्कुल सही, होना ऐसा ही चाहिए कि जब गवर्नमेंट एक चीज कह दे तो उस पर अमल किया जाए। लेकिन अगर हम इसकी दूसरी साइड देखें तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो क्यों 15 अगस्त से स्कूल्स खोलने पर बजिद हैं? देखिए, प्राइवेट स्कूल इज उनके अपने मकासद हैं, अपनी सब चीजें हैं। एक चीज जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की है बिकॉज ऑफ COVID-19, क्योंकि सारी सिचुएशन देखी जा रही है, डिस्ट्रिक्ट वाइज देखी जा रही है, सब SOPs बन चुके हैं। मैंने 18th को बल्कि बुलाया हुआ प्राइवेट स्कूल ओनर्स को, मैंने उनके साथ मीटिंग 18th की रखी हुई है, जो नोटिस उनको जा रहा है कि आए बैठे डिस्कस करें, जब 15 सितंबर को खुलने हैं तो क्या SOPs हैं, जो सारे हमने उनके साथ शेयर करने हैं, ताकि हम उनको तकरीबन ऑलमोस्ट एक महीना पहले बता रहे हैं कि क्या क्या प्रोसेसेस, क्या क्या चीजें करनी है बिफोर वी ओपन द स्कूल्स, सो दे कैन नॉट ओपन देम रिगार्डलेस जो मर्जी वो इस वक्त कह दें। अच्छा, तो आप लोगों ने जो SOPs बना रहे थे आप लोग, वो फाइनल हो गए हैं, वो कौन से होंगे जब स्कूल्स 15 सितंबर से खुलेंगे? देखिए, उसमें से मैं कुछ चीजें आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि एक तो सबसे पहले स्कूल सारे सैनिटाइज होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि स्कूल खुले नहीं काफी महीनों से, एवरीथिंग हैज टू बी क्लीन्ड। उसके बाद मास्क के बगैर किसी बच्चे या टीचर को स्कूल में नहीं आने दिया जाएगा। जिस बच्चे को भी थोड़ा सा भी कोई सिम्टम फ्लू का, खांसी का कुछ भी नजर आता है उसको स्कूल नहीं आने दिया जाएगा। जो शिफ्ट हैं वो मैं चाह रहा हूं कि मैं बैठ के डिसाइड करूं, जब मैंने प्राइवेट स्कूल ओनर्स को बुलाया है तो दो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उसके अंदर, या तो सुबह शाम शिफ्ट, सुबह दोपहर शिफ्ट की जाए, दो शिफ्ट में इसको डिवाइड किया जाए बच्चों को, ताकि हर क्लास जो वो डिवाइड हो जाए, या इस तरह है कि तीन दिन एक क्लास कुछ क्लासें पढ़ेंगी और तीन दिन बाकी क्लासें पढ़ेंगी। सो वी हैव टू आई हैव टू सिट डाउन विद देम, मैं तो चाह रहा हूं कि उनके साथ बैठ के ये बात 18th को इंशाल्लाह ताला डिस्कस की। ठीक है, तो मुराद साहब ये भी बताएं कि फिर ये जो SOPs आप बता रहे हैं कि जिस बच्चे में नजला जुकाम या खांसी छींके वगैरह का इस किस्म के कोई सिम्टम्स नजर आए तो उसको नहीं आने देंगे स्कूल में, ये मॉनिटर कौन कर रहा होगा? देखें, ये वहां पे ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है जो कि टीचर भी एक देख के बता सकता है। आई मीन यू नो इट इज नॉट समथिंग, किसी बच्चे का भी कोई इस तरह का रिएक्शन हो, कोई भी चीज हो, वो आपको सामने नजर आ जाती है। अगर मेरे ऑफिस में किसी को नजर आता है मुझे कि उनको नजला जुकाम हो रहा है या कोई खांसी हो रही है, तो राइट वे वी टेल देम कि नहीं जी आप छुट्टी पे जाएं, सो इट्स द सेम वे इट्स गोइंग टू बी डेल्ट विद। बिल्कुल सही, हां, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हर स्कूल पर गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा खड़ा हुआ हो, सबको चेक कर रहा हो, नहीं सर, वो तो अपनी जिम्मेदारी है। 60,000 लोग हायर करने पड़ेंगे इसके लिए, सो जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि जो फीसों का मामला है उसके हवाले से क्या तय पाया है, क्योंकि जो 20% रियायत का फैसला किया गया था उसके हवाले से क्या हुआ, और फिर जो अब अगस्त की फीस है उसके हवाले से क्या होगा? सब पे 20% डिस्काउंट, जिसको प्रॉब्लम आ रही है हमें बताए, हमने तो मेरे ख्याल से 95% इश्यूज जो है वो रिजॉल्व कर दिए फीसों वाले, बिल्कुल। अच्छा। सब 20% ऑफ दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, नो इश्यू ऑन दैट। अगस्त में भी 20% ऑफ मिलेगा, सही है, मिलेगा ऑफ मिलेगा। दूसरी तरफ जब ये जब हम देखते हैं कि दो शिफ्टों में अगर काम होना शुरू हो जाएगा स्कूल्स की तरफ से, तो टीचर्स पर भी एक्स्ट्रा जो बर्डन है वो पड़ेगा, और टीचर्स को जाहिर है डबल काम करना पड़ेगा फिर, तो वो डबल काम करने के लिए या तो आप एक टीचर के ऊपर डबल काम डालें तो उसको फिर मॉनेटरी कॉम्पनसेशन देनी चाहिए, या फिर ये कि आप दूसरे टीचर्स हायर करें जो दूसरी शिफ्ट में काम कर रहे हो, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि टीचर्स के साथ क्या किया जाना चाहिए? देखें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, टीचर्स को वही 2 से 3 बजे तक पढ़ाना पड़ेगा जो पहले भी वो पढ़ा रहे हैं,
पहली शिफ्ट अगर शुरू होती है तो वो 7:30 शुरू हो जाएगी, 10:30-11 बजे तक खत्म हो जाएगी। उसके बाद आधे घंटे की ब्रेक होगी ताकि स्कूल खाली हो, बाकी नए जो जिन बच्चों ने सेकंड शिफ्ट में आना है वो आएंगे, और सेकंड शिफ्ट जो है वो भी 3 घंटे चलेगी। सो जो वो कंसाइज उसके अंदर जा रहे हैं, मैं यहाँ पे एक इशू पे जरूर बात करना चाहता हूँ जो कल से बहुत ज्यादा उठा हुआ है, वो कैम्ब्रिज का इशू। कैम्ब्रिज का, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मैं जरा सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस पे हमने पिछले 24 to 48 आवर्स में पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। आज सुबह मेरी उनकी जो कंट्री डायरेक्टर है उज्मा, उनसे बात हुई है। हमने पहले सारा होमवर्क किया उसके ऊपर। उन्होंने मेरे से 2 to 3 to 4 दिन अ फ्यू डेज मांगे हैं कि जी हमें दें, हम इस इशू के ऊपर बिल्कुल काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे बच्चों के साथ बहुत ज्यादती हुई है कईयों के साथ, एंड वी आर, और हम, मैं तो आपको पता है कि हमेशा बच्चों के साथ और टीचर के साथ खड़ा हूं। तो इसलिए मेरी जब आज सुबह उज्मा साहिबा से बात हुई है, उन्होंने कहा जी कि हमें कुछ दिन दें, वी आर गोइंग टू रिजॉल्व दिस इशू, और अगर ये रिजॉल्व नहीं होता, जो कि हमें रिजॉल्व करना ही करना है इंशाल्लाह ताला, मगर एक चीज जो उन्होंने कही है वो मैं प्लीज सबको नोटिस में लाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है जी कि स्कूल जो है वो अपील कर सकता है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि इस तरह ना करें, इस तरह कई स्कूल अपील नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो इंडिविजुअल को तो राइट देना कम से कम, ये इंडिविजुअल का राइट है, ये स्कूल का राइट नहीं है। स्कूल का राइट तो है ही है, मगर इंडिविजुअल का राइट देना चाहिए जिसके साथ ज्यादती हुई है, एंड दे नीड टू डील विद दैट एज वेल। तो कहते हैं हम इन सब चीजों पर काम कर रहे हैं, तो आपको बताते हैं इंशाल्लाह ताला बेहतर फैसला आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर मुराद राज साहब हमारे साथ मौजूद थे।